नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में चल रही भाजपा जजपा की झूठ फूट और लूट वाली सरकार को जनता सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी है। प्रदेश में इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, जो गठबंधन की जनविरोधी नीतियों का खात्मा करेगी। ये कहना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिसार में हुए कांग्रेस के नौवे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम ने भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम के बावजूद भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों के जनसैलाब, जज्बे और जोश ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को विकल्प आपके समक्ष में तब्दील कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यक्रम में पहुंची जनता का धन्यवाद किया और इस सफल आयोजन के लिए बारंबार बधाई दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बुजुर्ग को 6,000 रुपए पेंशन, कर्मचारियों को OPS, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 100-100 गज के प्लाट बांटने और OBC क्रीमिलेयर लिमिट को 10 लाख करने के साथ शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा कारीगर योजना का भी ऐलान किया गया। इसके तहत कैश कला और माटी कला बोर्ड की तर्ज पर BCA समाज के शिल्पकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हाथ के कारीगरों की ओर से लिए गए ऋण पर 5% ब्याज से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। कल जो है हिसार में विपक्ष आपके समक्ष का हमारा कार्यक्रम था और वो इतना हजूम था, इतनी भीड़ थी वहाँ, वो देखकर उसको कार्यक्रम का नाम ही बदल गया, विपक्ष आपके समक्ष नहीं रहा, वो अब आपके समक्ष विकल्प हो गया। हमारे को विकल्प में बदल दिया। 36 बरादरी का हर वर्ग से हिसार में इससे बड़ी कभी रैली हुई नहीं होगी। लोगों का बड़ा भारी जोश था और ये एक संकेत है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों ने आस्था जताई है और बीजेपी जेजेपी से छुटकारा कर। हम बहुत सारी हमारे साथी आए और सभी ने अच्छी बातें कही और मैं इस बात के लिए वहाँ के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और अब जो है आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो चुनाव के आसपास होगा। वो हमारा जो है 9 प्रोग्राम हो चुके, 9 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हम कर चुके। अब हमारा कार्यक्रम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय बांझी और मैं साथ चल के 90 के 90 हलकों में जाएंगे। और एक जो दूसरा कार्यक्रम चल रहा है जनमिलन का, वो 11 तारीख को करनाल है और वहाँ से शुरू होके फिर अगला और कहीं तय करेंगे 11 तारीख को कहाँ होना है। इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम करने हैं और लोगों का भरपूर समर्थन हमारे को मिल रहा है। क्या वजह है सर आपको विकल्प चुने जनता? इस सरकार से विमुख हो गए लोग, इस सरकार नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, विफल सरकार है और उन्होंने जब तुलना करते हैं पिछले 10 सालों का कार्य हमारा और इस साल का 9 साल होने को हो गए। निसार गया मैं, जो वहाँ पे हवाई पट्टी थी पहले और 2013 में कैबिनेट में मैंने फैसला करा दिया था उसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने का। वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, अभी डोमेस्टिक ही शुरू नहीं हुआ उनका 9 साल में 9 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है या एक ऐसी कोई ये अपना वो नहीं बता सकते जो मैं कहूँगी 9 साल की इनकी अचीवमेंट है, कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, उनकी जो है जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में नंबर एक था, आज जो है वो महंगाई में, बेरोजगारी में, अपराध में ऊपर वहां से पहुंच रहा और कर्जे में हरियाणा को डुबाने का काम किया। लोग समझ चुके इसको और जो इनकी नीति थी बीजेपी जेजेपी जो थे वो समझ गए, नीति इनकी झूठ फूट और लूट। लोग समझते हैं इनके और कोई काम नहीं है, झूठ बहुत झूठे वायदे करते हैं। कभी तो कहते हैं किसान की आमदनी हम दुगनी कर देंगे 2022 तक, कभी कहते हैं हर व्यक्ति को हम छत दे देंगे 2022 तक, हर किस्म से। और किसान को
हम पूरा MSP देंगे, और ये सारे वायदे झूठे निकलते रहे उनके। कभी कहते हैं 15-15 लाख रुपए देंगे हम, और ये जो है JJP घोषणा पत्र में था 5100 रुपए हम पेंशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब खोखले निकले। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं, इनकी झूठ फूट और लूट की नीति अब नहीं चलेगी। कहीं आपस में जात पात का झगड़ा फूट डालने की कोशिश करते हैं, कहीं धर्म के नाम पर फूट डालने की कोशिश करते हैं, लोग समझ चुके हैं। श्रीनगर ले मार्ग पर एक हादसे में 9 सैनिक शहीद हो गए हैं जी। श्रीनगर ले हादसे में 9 बड़ा बड़ा दुखद हुआ, और उसमें हरियाणा के भी बच्चे हैं, तो पूरे देश के ही हैं, वो देश के हैं। तो उस बात की मेरे उनको श्रद्धांजलि अर्पित है, और उनको मेरा सलाम है जो देश के लिए कुर्बान होते हैं। हरियाणा में गौरक्षा कानून है, सबसे मजबूत है देश का, लेकिन लगातार गौ तस्कर और गौ रक्षक, इन दोनों की संख्या बढ़ती जा रही है और आए दिन मुठभेड़ हो रही है। देखिए मैं तो गौ भगत हूँ, मैं तो जब मुख्यमंत्री था जब भी गाय को रोटी दे के दफ्तर में जाता था, और बैन है ये, कोई गौ कृषि करता है तो कानून उसके विरोध में है, सजा है उसमें। लेकिन गौ तस्करी बढ़ रही है, इसका मतलब कि है कि ये विफल सरकार है, कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है, नहीं तो क्या मतलब हुआ, कैसे गौ हत्या हो जाएगी। मेवात में फिर से उस यात्रा के लिए अनुमति मांगी जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यात्रा करना सबका अधिकार है, और उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना है, सरकार का काम है। बहुत क्या बिगड़ा, तू यात्रा निकाल ले, कोई यात्रा निकाल ले, लेकिन जो सरकार को काम करना चाहिए वो करना चाहिए, वहाँ भाईचारा मजबूत है, वहाँ स्थायी तौर पे कोई आपस में नहीं है, कभी 47 में नहीं हुआ, 92 में नहीं हुआ, तो कोई ये नहीं है। ये तो वहाँ पर सरकार ने जो है जो प्रिवेंटिव कदम उठाने चाहिए, जबकि पहले ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, ऐसा अंदेशा हो रहा था कि भाई यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो सरकार को उस कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह के बयानबाजियाँ अभी भी BJP के नेता कर रहे हैं कि हिंदू क्या घर में बैठ जाए, या इस तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है, हेट स्पीच कोई भी नहीं बोल रहा, किसी को नहीं बोला, कोई भी किसी भी धर्म का हो, सभ्य बात करनी चाहिए। विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा क्योंकि कहीं ना कहीं चूक की बात दे रखा हमने एडजस्टमेंट मोशन। सर कैट की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, रिपोर्ट पेश की है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हर योजनाओं में लगभग घोटाले दिखाए गए हैं। वो तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखेगी उसकी रिपोर्ट आने दो, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाई जो काम कहा जाता है वो नहीं हो रहा है। आप स्वयं देखो, जो ये अभी कह रहे थे सड़कों का, हमने रोहतक में देख लो क्या सड़कों का क्या हाल है। मैं आया था सुबह वहाँ से, कौन सी सड़क थी, वन सिटी से आया, जब देखा मैंने स्टेडियम से आगे कांग्रेस उठाई गई क्या सड़कों वाला मामला है, पहले भी उठाते हैं, जो विपक्ष का काम है वो हम करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।